नमस्कार दोस्तों। पक्षी तंत्र उल्लू को हमेशा धन का सूचक बताता है, लेकिन कई बार ये अनिष्ट के भी संकेत करता है। देखिए, उल्लू जो है ये माँ लक्ष्मी का वाहन है। ये देखने में इतना डरावना है कि कोई भी इसे देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन है ये अत्यंत ही बुद्धिमान। इसे मूर्ख कहना सही नहीं है। मुझसे किसी ने प्रश्न किया है कि अगर सपने में हमें उल्लू दिखाई दे तो इसका क्या संकेत है। यहाँ तक कि किसी ने मुझसे ये भी प्रश्न किया है कि मुझे सपने में अपनी तरफ उल्लू आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मेरे साथ के आदमी ने उसे अपने पैर से खींच के मार डाला, तो ये क्या संकेत बनता है। या मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर सपने में आपको उल्लू अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है तो समझिए कि घर में धन का लाभ होने वाला है, व्यापार में आपको कोई लाभ हो सकता है, कहीं से धन के आगमन का कारण बनने वाला है। लेकिन वहीं अगर आपको उल्लू सपने में जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसमें तो यूं कह सकते हैं कि कहीं पक्षी तंत्र इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि कहीं घर में आग लगने की, घर में चोरी होने की या व्यापार में घाटा होने की संभावना हो सकती है। सपने में अगर आपने जाता हुआ उल्लू देखा है, ये उसके लिए बताया है। अब जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया है कि उल्लू उनकी तरफ आया और किसी ने उसको पैर से पकड़कर मार डाला, तो यहाँ पर ये संकेत बनना है कि आपको, आपकी तरफ कोई धन का लाभ होने वाला है, आपकी तरफ कोई धन आने वाला है, लेकिन कोई ईर्ष्यावश, कोई जो आपसे ईर्ष्या करता है, आपका फ़ायदा होता हुआ नहीं देख सकता है, वो ऑफ़ कोर्स आपके आते हुए धन में बुरी तरह से टांग अड़ाएगा, इतनी कि आपको उस जो आते हुए धन को आपकी तरफ नहीं आने देगा। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको फायदा देगी। धन्यवाद।